أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इस्लामी मालूमाती वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दुनिया के मोमिन उस्मान भाइयों को हमारा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसको रब कुरान चौथाई कुरान कहा गया है? जवाब, सूरतुल काफरून को रबाए कुरान कहा गया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हाकम इमाम हाकम फरमाते हैं कि यह हदीस अलसनाद है। अलामा अल्बानी ने इस हदीस को असन लहीरा कहा है। सवाल, कुरान की वो दो सूरह मुबारका कौन सी हैं जिनको दोहरावीन के नाम से मौसूम किया जाता है? जवाब, वो दो सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत कौन सा सुगरा कहा जाता है? जवाब, सूरत तलाक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सूरत कौन सा सूरा से मौसूम किया गया है, जैसा कि इमाम बुखारी वगैरह ने बयान किया है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में मक्खियों का जिक्र आया हुआ है? जवाब, सूरतुल हज आयत नंबर 73। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में तालूत और जालूत का वाक्या आया हुआ है? जवाब, सूरह बकरा अज आयत 247 ता 251। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में सलमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाक्या आया हुआ है? जवाब, सूरह नमल अज आयत 20-28। सवाल, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है और वो कितनी आयतों और पारों पर मुश्तमिल है? जवाब, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है और ये 286 आयत और तकरीबन 250 पारों पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, इन प्यारी दीनी मालूमात को आगे अपने वालदैन रिश्तेदारों अजीज व अकारब तक तमाम मोमिन मुसलमान भाइयों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें पंचगाना नमाज पढ़ने की और इन प्यारी दीनी इस्लामी मालूमाती वीडियो पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर करें। आमीन या रब्बिल आलमीन।